कुछ कहना है जी? छोड़िए जी, क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल, क्या कर रही हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं चंबा में? नहीं, हाँ मैं जॉब दिल्ली में कर रही हूँ। अच्छा, जॉब दिल्ली में कर, चंबा आई हुई है छुट्टियों में? मेरी मॉम लड़ रही है इलेक्शन। अच्छा अच्छा, मॉम चुनाव लड़ रही है, क्या नाम है उनका? नीलम नैयर जी। नीलम नैयर जी, अच्छा अच्छा वो बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नीलम नैयर जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इधर भाई, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं देखने आया हूँ आपको। हाय, कोई तो बंदा मिला जो देखने आया है सर। और बाजी कैसे हैं आप? आपको देखने आए जी। और देखने आए सर, उसको जिताने आए जी। हाँ जी, कांग्रेस को जिताने आए हैं। और ये तो हमें लग रहा है एनपीएस पर चोट, ओपीएस वाले आ गए। हाय हाय, गजब। मैंने आपका डेडिकेशन, आप लोगों का जो निष्ठा है वो गजब की है। मैंने आठवां नवा शो है मेरा, और इस आठवें नवे शो में मैं ये कह सकता हूं ईमानदारी के साथ कि ओपीएस वालों ने जिस मुद्दत के साथ और शिद्दत के साथ, सॉरी, जिस शिद्दत के साथ आपने प्रोस्यू किया है अपना मुद्दा, निश्चित तौर से बड़ा सराहनीय है। सरकार को जरूर कोई ना कोई स्टैंड। आप नाराज हैं क्या मुझसे? ना ना, पक्का नाराज है? खड़ी हुई है? नहीं, खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? इंदिरा भूषण। इंदिरा भूषण जी, तो यहीं की रहने वाली है, चंबा की, और प्रॉपर चंबा की, और सरकारी नौकरी में है जी सर, राज्य सरकार में जी सर। और ओपीएस का मुद्दा है आपका? अच्छा, कब का अपॉइंटमेंट है आपका? सर मेरी अपॉइंटमेंट है नवंबर 2006 जी, तो 2004 में वो खेल हो गया था, है ना जी? तो अब आप कहना चाहती हैं, कुछ कुछ बोलना चाहती हैं? सर हमारा बोल तो रहे हैं, तो चुप रहो, हल्ला मचाओगे कम तो आएगी आवाज। आगे आओ, वो उतने पीछे खड़े कैसे जाऊंगा मैं, हनुमान जी थोड़ी ना वहां तक पहुंच जाऊं। यहाँ जी, जी सर हमारा एक ही मुद्दा है, ओपीएस। ओपीएस, ओपीएस चाहिए, जिद है आपकी कि लेके रहेंगे जी सर। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, नमस्ते। 1973 आपसे कह रहा हूँ, 1970 आपने टी शर्ट पड़ी ही नहीं है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। 1973 बॉर्न है या उससे पहले के? पहले के हैं। अच्छा, लगते नहीं हैं आप, आप लगते ही 24-25 साल के लगते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? आई लव यू। चंबा तो गजब है भाई, हर आदमी कहता है आई लव यू जी। हाँ जी, अरे क्या हुआ ये, एक बात होता है, यहाँ अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, मोबाइल लेके आइए, मोबाइल ले आइए, अपना अपना मोबाइल, इनका मोबाइल दे दीजिए भाई साहब। एक चीज मुझे बताइए, ये आज तक मिस्ट्री समझ में नहीं आई, ये मोबाइल के पीछे रुपया क्यों रखते हैं आप? सर रुपये, मैं बताना चाहूंगा, रुपये के ऊपर हमने वोट पर ओपीएस लिखा है सर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, हम 58 साल तक सरकारी सेवाएं देते हैं सर। हाँ। और आज की स्थिति अगर हम बताएं, हाँ, तो अगर एक कर्मचारी 58 साल नौकरी करके के बाद 1500 रुपया पेंशन ले रहा है सर। हाँ, 1500 रुपया पेंशन, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1500 रुपया पेंशन आपको तो 1500 नहीं मिल रही है सर? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आपको भी 1500 मिलेगी? अभी तो मैं सर नौकरी कर रहा, जॉब कर रहा, मैं तो आपको थोड़ी ना 1500 मिलेगी, जिनके 1500 मिलेगी उनके लिए लड़ रहे हैं आप, हमको बना रहे हैं आप, है? हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है ना, आप थोड़ी ना 1500 आपको मिलेंगे। मिलकर बहुत खुशी लगी, क्या कहिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें मुझे देखिए, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं आप खड़े रहिए, मुझे कोई दिक्कत, मैं आ रहा हूँ। रिटायर हो गए आप? रिटायर हो गए बाबू जी, आज आप आ गए यहाँ पे, सकुशल पहुँच गए चंबा, दिल्ली से यहाँ तक आ गए, पीछे पीछे चलेंगे आप मेरे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहीं वहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कनॉट प्लेस से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उसके पीछे पीछे चले आते हैं। बाबू जी पहुँच गए, अच्छा बहुत बहुत, हाँ मैं आता हूँ आपके पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लड़ाई ना कोई बात। आपको मिले पेंशन अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि जिनको जो डिजर्व करते हैं वहां तक जरूर पहुंचे, ये मेरा बात है, ये बात मैं जरूर शिद्दत से कहता हूँ जी। जनाब जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी, एक दो लोगों के से पता चल जाता है कि मैं पहाड़ में हूं और शाम हो गई है।